हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो थे, तो बच्चे थे, वो अपनी मम्मी की हेल्प कर रहे थे अपना घर को साफ़ करने में। तो वो बोलते हैं कि इन चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, फूड ग्रेन्स, कंघी और जो हनी की बॉटल है, बुक्स, ये सभी के सब रिसोर्सेज हैं और ये सारे के सारे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और तो फिर रिसोर्स क्या होता है, राजू ने अपनी मम्मी से क्वेश्चन पूछा। तो उनकी मम्मी ने आंसर किया, रिसोर्स कुछ भी हो सकता है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी हेल्प करती है, वो हम एक रिसोर्स होती है। अपने चारों तरफ देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें रिसोर्स हैं। आपके घर में कोई भी चीज़ है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो एक रिसोर्स है। जैसे कि वाटर की एक बॉटल, आपके जो पेन है, बॉक्स, बुक, चेयर, टेबल, हर चीज़ एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, और ये सारे के सारे हम किसी ना किसी तरीके से यूज़ करते हैं। इनकी कोई ना कोई यूटिलिटी है, और जिस भी चीज़ की यूटिलिटी है वो एक रिसोर्स है। तो रिसोर्स बनता कैसे है, बच्चों ने पूछा अपनी मम्मी से। तो उन्होंने आंसर किया कि रिसोर्स बनता है उसकी यूज़ और यूटिलिटी की वजह से। जिस भी चीज़ की एक यूज़ होता है, यूटिलिटी होती है, उसकी एक वैल्यू बन जाती है, और हर एक रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो रिसोर्स के बारे में हमने दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट पढ़ी, वो क्या, कोई भी चीज़ जिसकी यूटिलिटी होती है, मतलब यूज़ होता है, वो एक रिसोर्स होता है, और जिस भी चीज़ का यूज़ होता है उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू का मीन्स होता है वर्थ, यानी कि कीमत। कुछ रिसोर्सेज की जो है एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, मतलब उनको पैसों से ख़रीदा जाता है, और कुछ रिसोर्सेज की कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि जो कोई मेटल है, जैसे कि आप सोना ले रहे हैं, चांदी ले रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें मेटल हैं, तो इनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इनको पैसों से ख़रीदा जा सकता है। मगर कोई बहुत ही सुंदर सी जगह है, नेचर है, आप अपने घर के गार्डन में बैठे हुए और किसी पेड़ को देख रहे हैं, तो आप जब जिस टाइम पर उसे देख रहे हैं, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मगर उसका यूज़ बहुत है, आपको उसको देख के बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, तो वो भी एक रिसोर्स है। और कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिक वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के साथ। अभी हो सकता है वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल ना हो, क्योंकि हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर हमने उसकी वैल्यू को समझा नहीं है। जैसे कि इसमें बुक में एग्जाम्पल देते हैं कि आपकी जो ग्रैंड माँ की रेसिपी है, कोई भी रेमेडी है, कोल्ड ठीक करने की, सपोज़ करिए काढ़ा है, सपोज़ उसकी कोई भी मतलब इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, मगर हो सकता है कि आगे जा करके हर्बल चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाए, कोई उसको पेटेंट करवा ले, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हो जाएगी। ग्रॉसरी में देखिए पेटेंट का मतलब बताया गया है, पेटेंट का मतलब होता है आपका कोई भी एक्सक्लूसिव राइट किसी भी आइडिया या फिर इन्वेंशन पर। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है सिर्फ आपका ही राइट होगा, मतलब आपने सपोज करिए कफ का, खांसी के काढ़े पे आपने पेटेंट ले लिया, तो उसके बाद कोई भी वर्ड में अगर उस चीज़ को यूज़ करेगा, तो वो यूज़ करने के लिए आपको पैसे देगा, ये होता है पेटेंट, क्योंकि आपने उस चीज़ के आइडिया को इन्वेंट किया है। नेक्स्ट, पहले ग्लॉसरी में देखे थे कि टेक्नोलॉजी क्या होती है। टेक्नोलॉजी होती है एप्लीकेशन, लेटेस्ट जो भी नॉलेज या फिर स्किल है उसकी, ऐसा बोलते हैं ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड साइंस क्या होती है, किसी भी चीज़ को समझना, जैसे कि हम चलते कैसे हैं, कोई भी चीज़ गोल कैसे घूमती है, पानी लिक्विड किस टाइम पे रहता है, कैसे रहता है, क्यों रहता है, इस चीज़ को अप्लाई करना, वो चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। कोई भी चीज़ घूमती है, हमें पता लग गया कैसे घूमती है, तो हमने क्या बना दिया, हमने मैरी गो राउंड बना दिया, हमने झूला बना दिया। व्हील गोल होता है, गोल होता है तो क्या होगा इसका, हमने क्या कर दिया, हमने बहुत सारे व्हीकल्स बना दिए व्हील से। तो ये हुआ हमारे नॉलेज का यूज़, जिसको हम कहते हैं टेक्नोलॉजी। टाइम और टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, और जो है वो चेंज करते हैं। और ये सब्सटेंस जो होता है, मतलब किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं टाइम और टेक्नोलॉजी, और दोनों के दोनों जो है रिलेटेड होते हैं जो पीपल हैं उनकी नीड्स से। और लोग, पीपल देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज, मतलब आप सबसे बड़े रिसोर्स हैं। वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, नेचर ने हमें जो कुछ भी दिया है, उसको एज अ रिसोर्स कन्वर्ट करने का काम ह्यूमन ही तो करता है, तो ह्यूमन खुद में एक ह्यूमन रिसोर्स है। हर डिस्कवरी, इन्वेंशन ह्यूमन के द्वारा ही की गई है। जैसे कि पानी था,
ऊंचाई से बहता हुआ पानी था, वो तो सिर्फ पानी था, सिर्फ हम उसे पी सकते थे, मगर हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर ली। तो ये होता है टेक्नोलॉजी का यूज़ रिसोर्सेज में। अब रिसोर्सेज के टाइप देखते हैं हम। रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं जो हम डायरेक्टली नेचर से यूज़ करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ देम, जैसे कि हम वाटर है, पानी ले रहे हैं हम नदियों से, समुद्र से, और हवा, हमारे हर तरफ हवा है, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स है। इसमें हमें किसी मॉडिफिकेशन की, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको एज इट इज़ यूज़ करते हैं और ये गिफ्ट ऑफ नेचर है हमारे लिए। और इस नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके का वो डेवलपमेंट हुआ है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट, हम कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, वो कहाँ से आया है। स्टॉक मतलब वो कितनी मात्रा में हमारे पास प्रेजेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो किस किस जगह प्रेजेंट है। अब आप, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि हम लोगों ने वाटर के केस में लिया, वाटर जब ऊंचाई से गिरा तो हम लोगों ने उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना ली, तो उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ कि हमने उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना ली है वाटर से। यूज़ क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रिसिटी को अब हम यूज़ कर रहे हैं हर चीज़ के लिए। ओरिजिन वो चीज़, पर्टिकुलर चीज़ आई कहाँ से है, पानी आया कहाँ से है। स्टॉक मतलब हमारे देश में सपोज करिए कितना पानी है, कितनी मात्रा में पानी पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन और किस किस जगह किस तरह से पाया जाता है। मान लीजिए कि जैसे मौसिनराम है मेघालय में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा 1000 सेंटीमीटर की तक की बारिश पड़ती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर जगह पे काफ़ी ज़्यादा पानी है, मगर थार डेजर्ट में तो 10 सेंटीमीटर की बारिश पड़ती है। तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कहीं बहुत ज़्यादा होते हैं कोई चीज़ और कहीं बहुत कम होती है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट, जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे भी और यूज़ के बेसिस पे, इन दोनों को मिला के हम रिसोर्स को फिर से दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स का मतलब है जो हम एक्चुअली अभी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अभी इसी पर्टिकुलर टाइम में हमारे पास, हमें उस रिसोर्स के बारे में पता भी है और हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हो गया है कि जो रिच रिसोर्सेज जो है, रिच डिपॉजिट्स हैं कोल के, कोयला बहुत ज़्यादा पाया जाता है रूहर रीजन ऑफ जर्मनी में और उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, और पेट्रोलियम जैसे वेस्ट एशिया में पाया जाता है उसको भी हम इस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो वो होता हो गया हमारा क्या, एक्चुअल रिसोर्स। और एग्जाम्पल ये है डेक्कन की, डेक्कन प्लेट्यू की जो सॉइल है महाराष्ट्र में, ये सारे के सारे हमारे एक्चुअल रिसोर्स हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है, हमें पता है कि वो है प्रेजेंट, मगर हमें उसकी एंटायर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता कि उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, मगर हम उसको फ्यूचर में जब हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी उसको हम यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि यूरेनियम जो है लद्दाख में पाया जाता है, वो एक पोटेंशियल रिसोर्स है, अभी हम उसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हाई स्पीड विंड्स जो थी वो आज से 200 साल पहले एक पोटेंशियल रिसोर्स थी, हमें उसको यूज़ करना नहीं आता था, मगर आज हम लोगों ने विंड फार्म्स लगा दिए हैं और बहुत हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेदरलैंड्स में काफ़ी सारे विंड फार्म्स पाए जाते हैं, और नागर कॉइल है तमिलनाडु और गुजरात का कोस्ट है, वहाँ पे भी हम लोगों ने आज विंड मिल्स लगा रखे हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पहले वो एक पोटेंशियल रिसोर्स था, मगर आज वो एक एक्चुअल रिसोर्स है। अब बेस्ड ऑन ओरिजिन रिसोर्सेज जो हैं वो बायोटिक और एबायोटिक हो सकते हैं। कैसे, ओरिजिन मतलब कोई भी चीज़ कहाँ से आई है, एबायोटिक का मतलब होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान नहीं होती, जैसे कि मिट्टी, सॉइल हो गई हमारी, पत्थर हो गए, रॉक्स, मिनरल्स जो भी हमारे नेचर में पाए जाते हैं, ये सारे के सारे एबायोटिक हैं, मगर प्लांट्स और एनिमल्स हमारे बायोटिक रिसोर्सेस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन वी कैन क्लासीफाई रिसोर्सेस एज बायोटिक एंड एबायोटिक। और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम ब्रॉडली कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है जो हम दोबारा से दोबारा बना सकते हैं उसको, वो रिन्यू हो जाते हैं, दोबारा से नए हो जाते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब हमने एक बार यूज़ कर लिया तो वो फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल जैसे कि वाटर है, वाटर एक वाटर साइकिल में चलता जाता है, और सॉइल है, फॉरेस्ट है, हाँ पेड़ दोबारा लगा सकते हैं, मिट्टी दोबारा बन जाती है मगर कई लाख सालों में जाके वो बनती है, मगर पानी, फॉरेस्ट ये हम दोबारा लगा सकते हैं। मगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हमारे पेट्रोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, अगर आपने इनको एक बार यूज़ कर लिया ना तो उसके बाद इनको दोबारा यूज़ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये मतलब ख़त्म हो जाएंगे एक बार तो दोबारा
करोड़ों लाखों साल इनको बनने में लगेंगे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से कोई भी चीज़ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हम कैसे कर सकते हैं, उबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस का मतलब और लोकलाइज्ड का मतलब एक ही होता है, कि मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे वो रिसोर्स पाया जाता है, उसके लिए हम कहते हैं उसको कि वो लोकलाइज्ड है। एयर, जैसे कि एयर जो है वो हर जगह पाई जाती है, इसलिए वो एक लोकलाइज्ड जो है रिसोर्स है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह है। मगर कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कुछ ही जगह पाए जाते हैं, बहुत कम जगह पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे गोल्ड है, गोल्ड अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, डायमंड है वो भी अफ्रीका में पाया जाता है, कोल है, कोल भी कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही पाया जाता है, इसलिए ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो लोकलाइज्ड नहीं होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कि टेरेन कैसा है, कोई भी जगह है वो माउंटेनियस है, प्लेन है, प्लाट्यू है, किस टाइप की वो जगह है उसकी टेरेन पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी नेचुरल रिसोर्स का वहाँ पर प्रेजेंट होना। क्लाइमेट कि कैसा क्लाइमेट रह रहा है, गर्मी रह रही है, सर्दी रह रही है, कैसा मानसून है, कैसा क्लाइमेट है, और कैसा ऑल्टीट्यूड है, किस हाइट पर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। तो जो फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट, ऑल्टीट्यूड, ये नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ होंगे इस पर काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अनइक्वल है, क्योंकि जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं अर्थ के वो काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, पूरी अर्थ एक जैसी नहीं है, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कैसे हैं, क्या होता है कई बार जो नेचुरल सब्सटेंसेस रिसोर्स बन जाते हैं ओनली वेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। नेचुरल सब्सटेंसेस की हमने ओरिजिनल फॉर्म चेंज कर दी तो वो हमारे रिसोर्स बन जाते हैं, जैसे कि रॉ आयरन था, कच्चा आयरन होता है, जब हम उसको यूजेबल आयरन में की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अलॉयज मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम बन जाता है, और वेरियस अलॉयज मिला के हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक चीज़ में, और दूसरी कई सारी चीज़ें मिला के हम एक नई चीज़ बना देते हैं। जैसे आयरन ओर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आयरन ओर पहले कोई रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने आयरन को एक्सट्रैक्ट नहीं किया उसमें से। ऐसे ही पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज, जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स बनाने में। तो ये क्या सारे हो गए हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। आप जिससे अभी फ़ोन से या लैपटॉप से, टैबलेट से आप ये यूट्यूब लेक्चर देख रहे हैं वो क्या है, वो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ह्यूमन ने बनाया, नेचर से तो मिला नहीं है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम रिसोर्सेज बनाते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्स के बारे में हमें बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। पीपल लोग जो है अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो, और बहुत सारी नई चीज़ें बनाते हैं, तो क्या हुआ, तो हम क्या हैं, पीपल आर देमसेल्व्स आर ह्यूमन रिसोर्सेज। क्योंकि जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कैसे हो सकता है, एजुकेशन से, पढ़ाई से, हेल्थ से, वैल्यूएबल बनाता है। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो किसी भी ह्यूमन को एक वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्स बनाता है, और इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है कि लोगों की एजुकेशन को बढ़ाना, उनकी हेल्थ को बढ़ाना, और उनकी जो इन्वेंशंस है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करना। तो जब लोगों की स्किल्स बढ़ेंगी तो वो और ज़्यादा इन्वेंशंस कर पाएंगे, और ज़्यादा रिसोर्सेज बना पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है इस सारे प्रोसेस का, कि ह्यूमन के रिसोर्सेज को, ह्यूमन को इस तरीके से डेवलप करना कि वो एक और एक अच्छा रिसोर्स बन पाए। तो ये क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स नंबर ऑफ़ चीज़ों को रेफर करता है, क्वांटिटी, जैसे कि उसकी एबिलिटीज़ क्या होती है, मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ क्या हैं। पीपल, लोगों के जो व्यूज़ हैं वो डिफ़र करेंगे रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन्स एज रिसोर्स, कि आप लोगों को एज अ रिसोर्स कैसे ट्रीट कर सकते हो, ह्यूमन तो ह्यूमन है, आप उसको एक रिसोर्स क्यों बना रहे हो, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। मगर हम ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकते कि ह्यूमन के पास एबिलिटीज़ हैं हमारे जो फिजिकल मटेरियल है उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में ट्रांसफ़र करने की। ह्यूमन ने ही तो सारा, एक आयरन ओर दिया था हमें नेचर ने, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते थे, हमने उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट किया, तो जिसने आयरन एक्सट्रैक्ट किया वो भी तो एक हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही है ना, जिसने अपना दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई। और जब हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं एजुकेशन से, हेल्थ से, उसको स्किल देके, तो वो होता है प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे, बर्बाद करते रहेंगे, तो जो पिक्चर में एक कंडीशन दिखा रखी है ना, इसी टाइप की कंडीशन हो जाएगी हमारी अर्थ की। फिर मोरा बोलती है कि उसको मतलब रात को एक बुरा सपना आया, उसने देखा कि जो है हर तरफ पानी
दैट ऑल द वाटर ऑन अर्थ है ड्राइड अप, मतलब पानी बिल्कुल सूख चुका है, सारे के सारे पेड़ कट चुके हैं, कोई शेड नहीं है, कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है, लोग सफ़र कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं खाने के लिए और छाँव के लिए। तो फिर ये बात उसने अपनी मम्मी को बताई इस ड्रीम के बारे में, तो उसकी मम्मी बताती हैं कि अगर हम लोग केयरफुल नहीं रहे और दैट इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, अगर हम लोग इसी तरीके से पेड़ों को काटते रहे, पानी को बर्बाद करते रहे, तो जो ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना हमारे, एक दिन ये भी हम बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे हम इन्हें अगर इसी तरीके की प्रैक्टिस हम करते रहे। तो रिसोर्सेज को जो हमें यूज़ करना चाहिए वो केयरफुली यूज़ करना चाहिए और उनको टाइम देना चाहिए कि वो रिन्यू हो पाए। इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, मतलब आप पानी उतना ही यूज़ कर लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है। आप क्यों टैप खुली छोड़ते हैं, लोग क्यों सड़क की धुलाई करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रोज़ की रोज़ सड़क धोने बैठ जाते हैं, दो दो घंटे तक सड़क ही धोते रहते हैं, अपने घर दो दो घंटे तक रोज़ धोते हैं, क्या मतलब है। कार धोते हैं तो कम से कम 50 लीटर पानी, 100 लीटर, 200 लीटर पानी बर्बाद कर देते हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का। आप यूज़ करिए, बर्बाद क्यों कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा आप भी, जिस भी चीज़ को आप यूज़ करेंगे वो आपके साथ हमेशा रहेगी, मगर आप बर्बाद करेंगे ना तो बर्बाद करने के लिए तो कोई भी चीज़ कम ही होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी यूज़ को, रिसोर्स को यूज़ करना इस तरीके से कि आज भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं और हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो आएंगी उनको भी वो आराम से यूज़ को लिए मिल सके। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम आज ट्रीज़ यूज़ कर रहे हैं, आज हम कोयला यूज़ कर रहे हैं, तो कोयला हम इस तरीके से ही यूज़ करें कि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बच जाए, हम उसको बेवजह बर्बादी करके ना यूज़ करें, तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। इसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारी वेज होती है रिसोर्स को कंजर्व करने की। एक बेस्ट वे यही है कि आप सिर्फ यूज़ करिए, आप वेस्ट मत करिए किसी भी चीज़ को। तो ये होता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो फिर आगे बच्चे, मतलब इवनिंग में चिल्ड्रन जो है अपने फ्रेंड्स के साथ पैकेट्स बनाते हैं शॉपिंग बैग्स और ओल्ड न्यूज़पेपर से, डिस्कार्डेड क्लोथ्स से। तो यही चीज़ होती है हमारे रिसोर्स को कंजर्व करना, मतलब न्यूज़पेपर है आप उससे पेपर बैग्स बना लीजिए जिसमें आप सामान को रख सकते हैं, तो ये रिसोर्स का कंजर्वेशन हो गया। आप फेंक भी सकते थे मगर आपने उसको यूज़ कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, आप जब रूम में नहीं है तो फ़ैन ऑफ कर दीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए जब यूज़ में नहीं आ रही है ना। तो अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि रिस्पेक्ट एंड केयर करो ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ की, एनिमल हो, प्लांट हो, हर किसी की हमें रिस्पेक्ट करो। इम्प्रूव करो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्वालिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, गंदगी ना फैला करके और रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर करके। कंजर्व करिए अर्थ को वाइटेबिलिटी और उसकी डाइवर्सिटी, मतलब जो हमारी अर्थ है वो ऐसी अच्छी बनी रहे जैसे हमने नेचर ने हमें प्रोवाइड की थी, इसमें डाइवर्सिटी रहे, तरह तरह के प्लांट्स रहे, एनिमल्स रहे। इस तरीके से हम लोगों को अपनी अर्थ को कंजर्व करके रखना है, मिनिमाइज कर कम करना है नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन। हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करें जैसे कोयला हो गया, पेड़ हो गए, हम काटे जा रहे हैं, यूज़ करे जा रहे हैं, तो हम थोड़ा उसको सस्टेनेबल वे में यूज़ करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचा रहे। और हमारा जो एटीट्यूड है उसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिसेस हमारी एनवायरनमेंट के प्रति। वही कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है पेड़ काटने का और पानी को बर्बाद करने का। लोग पानी ऐसे ही टैप्स को खुला छोड़ देते हैं, बंद ही नहीं करते हैं यूज़ करने के बाद, लाइट्स को हम खुला ही छोड़ देते हैं, टीवी चल रहा है, चल रहा है, एसी चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ढंग से यूज़ करो उसको। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम लोगों को एक दूसरे को मैसेज भी देना चाहिए कि किस तरीके से हमें जो है एनवायरनमेंट को यूज़ करना चाहिए। अब द फ्यूचर ऑफ प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज़ लिंक्ड विद आर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। हमारा जो फ्यूचर प्लैनेट है उसका जो फ्यूचर है और उसके लोगों का फ्यूचर है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस टाइम पर हम अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके बचा करके रखते हैं ताकि जो नेचर है वो हमें सारी की सारी चीज़ें इसी तरीके से प्रोवाइड करता रहे। इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हमारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उसको हम सस्टेनेबली यूज़ करें, जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है अर्थ पे उसको कंजर्व करें। डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, हम ह्यूमंस हैं, कैट है, डॉग है, पीकॉक है, टाइगर है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, कई थाउजेंड लैक्स ऑफ टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, उनको हम बचा के रखें। ये होता है डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना और नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज ना करें, नुकसान ना पहुंचाएं। तो हो गया यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।